हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एनएसटीआई टेक इन्फो में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने सेट टू में लगभग 40 से प्लस क्वेश्चन देखे थे, अब हम लोग सेट नंबर थ्री देखते हैं, जिसमें सेल एवं बैटरी के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो आईटीआई लेवल का हो, चाहे आपका किसी भी ट्रेड से संबंधित एग्जाम जो कि इलेक्ट्रीशियन से आता है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन और बन के आते हैं वो भी देखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की ओर। क्वेश्चन नंबर एक में फ्रेंड पूछा गया है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युतीय ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, तो वो उस युक्ति उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल, जो कि धूप को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, फोटोवोल्टाइक सेल। और भी कुछ पॉइंट है जो पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछ देगा अगर डायनेमो, तो डायनेमो क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और जैसे एग्जांपल के रूप में अगर इसका देखा जाए तो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद एक पूछता है मोटर क्या करता है, तो मोटर आपका क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, और एक और क्वेश्चन पूछता है जैसे बैटरी के बारे में अगर पूछ दे, तो बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया था, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं, तो द्वितीयक सेल जो होते हैं वो हमेशा फैराडे के विद्युत अपघट्य नियम पर कार्य करते हैं। फैराडे का विद्युत अपघट्य जो नियम था, उस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघटन पर विद्युत आवेश प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर मुक्त जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, यह फैराडे का प्रथम नियम कहलाया था। फैराडे का दूसरा नियम जो था वह नियम विद्युत चुंबकीय नियम कहलाया। उस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है, फार्मूला आप लोग जानते होंगे E=dΦdt, जहां फाई क्या है, फ्लक्स की संख्या, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, जो सेकेंडरी सेल में विद्युत आवेश जब दिया जाता है तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, EMF। ठीक, क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर आप चलते हैं। विद्युतीय अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब द्रव्यमान की गणना होता है विद्युत अपघटन में, तो हम लोग m = ZIT का प्रयोग करते हैं, GM का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ m क्या होता है, I क्या होता है, और T, जहाँ m होता है इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित विलयन पदार्थ की मात्रा। ठीक है, I क्या होता है, विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली धारा, और T क्या होता है, समय। ठीक, m क्या बताए हैं, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित विलयन पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या पूछा गया था कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो बैटरी की क्षमता हमेशा हम लोग किस में मापते हैं, बैटरी की क्षमता एम्पियर हावर। ठीक, बैटरी की क्षमता एम्पियर हावर में। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का, विद्युत विभव का। ठीक है, वाट शक्ति का। ठीक है, और अगर ट्रांसफार्मर को मापा जाता है उसमें KVA किलो वोल्ट एम्पियर में, मोटर वगैरह को किलो वाट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव में देखते हैं क्या पूछा गया था कि उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती हैं। तो उस दोष को हम लोग कहते हैं बल्किंग, जिसमें द्वितीयक सेल क्या होता है, मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये जो मुड़ जाती है इसका मुख्य कारण होता है जब ओवर लोडिंग या ओवर लोड देकर अगर हम लोग चार्ज करते हैं, या जब बैटरी जो होता है ओवर डिस्चार्ज होता है या ओवर चार्ज होता है, तब उस कंडीशन में ये ब्लकिंग उत्पन्न हो जाता है, जैसे प्लेट मुड़ जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया था कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जबकि
वोल्ट विद्युत विभव का, और वाट पावर का, एम्पियर करेंट का, और आवेश का कूलाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जो लिथियम सेल आउटपुट वोल्टेज जो होता है 2.5 वोल्ट होता है, या लिथियम सेल का होता है। ठीक है, जो कि डेनियल सेल का 1.2 वोल्ट होता है, डेनियल सेल का। और 1.5 वोल्ट लेक लांसी सेल का होता है, लेक लांची सेल का। ठीक है, जबकि 1.8 लगभग यह ड्राई सेल का होता है, ड्राई सेल जिसे हम लोग शुष्क सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन से विधि अपनाई जाती है? ठीक है, कम समय में उच्च दर से बैटरी अगर चार्ज करना हो तो वहाँ पे हम लोग बूस्ट आवेश का प्रयोग करते हैं। बूस्ट चार्जर बोलते हैं, नहीं कि बैटरी बूस्ट बूस्ट कर दीजिए, अगर बैटरी बैठ जाता है तो दुकान पे ले जाके बोलते हैं कि बैटरी को बूस्ट कर दीजिए। ठीक है, जिससे वो क्या हो जाता है, पुनः आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है और वो वर्क करने लगता है बैठी हुई बैटरी। ठीक है, बूस्ट करने पर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 9 में पूछा था, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? तो कार्बन जस्ता शुष्क सेल में हमेशा जो है कि हम लोग अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जबकि हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? लेड एसिड सेल में करते हैं। ठीक है, लेड एसिड सेल, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, द्रव में विद्युतीय धारा प्रवाह होना कौन सा प्रवाह है? द्रव में विद्युतीय धारा प्रवाह होना कौन सा प्रवाह होता है? तो यह जो होता है यह रासायनिक प्रवाह होता है। ठीक है, रासायनिक प्रवाह होता है, द्रव में विद्युत धारा प्रवाह रासायनिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा था, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो सीसा लेड बैटरी में हमेशा ऋणात्मक पदार्थ और ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए हम लोग जो है स्पॉन्ज सीसा का प्रयोग करते हैं। कौन सा सीसा? स्पॉन्ज सीसा का प्रयोग करते हैं। और घोल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? H2SO4 का प्रयोग करते हैं, लेड एसिड बैटरी जब हम लोग बनाते हैं तो। ठीक है, H2SO4 घोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग किया जाता है? धातु सतह को क्षरण से बचाने के लिए हम लोग जो हैं वो कैथोडिक सुरक्षा का प्रयोग करते हैं। कौन सा? कैथोडिक सुरक्षा का प्रयोग करते हैं क्षरण को रोकने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल घड़ियों में हमेशा हम लोग पारा युक्त वाली बैटरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पारा युक्त वाली, और कलाई घड़ी में भी इसका प्रयोग करते हैं, साथ साथ कैलकुलेटर में भी इसका प्रयोग करते हैं। मरकरी का जो बैटरी बन के आता है, कैलकुलेटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 पूछा था, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? लघुपतित हो जाएगा, मतलब सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बैटरी के आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? ठीक है, बैटरी को जब आवेश चार्ज किया जाता है उस समय फाइन सेलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? वो मेन काम उसका यही होता है कि वो धारा रेटिंग का चुनाव करना। क्या होता है? धारा रेटिंग का चुनाव करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फाइन सेलेक्टर यूज स्विच का प्रयोग धारा रेटिंग का चुनाव करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। सोल सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तो जब भी सोल शक्ति पे अगर टेम्परेचर अगर क्या होता है बढ़ा, सोल सेल में तापमान संदर्भ में निर्गत शक्ति आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस समय क्या होता है कि तापमान की कमी हो जाती है। ठीक है, तापमान की कमी के साथ साथ धीरे धीरे उसमें भी कमी हो जाती है। जैसे जैसे तापमान कम होगा वैसे वैसे क्या होता है कि उसका जो निर्गत आउटपुट होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है,
इसलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? तो हाइड्रोमीटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य का, जो है कि विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। इस प्रकार आंसर नंबर इसका हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैराडे के विद्युत अपघट्य के प्रथम नियम का सूत्र क्या था? हमने इसको पहले भी बता दिया था, एम बराबर जेड आई टी, जहाँ एम क्या है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित विलीन पदार्थ की मात्रा, आई विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा, टी समय है। ठीक है, ये फैराडे का प्रथम नियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया था? सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? हमने बता दिया है कि लेड एसिड सेल में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में, H2SO4 मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 20 में सर्किट जो है बनाया गया है लेकिन वैल्यू स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? मतलब जब लेड एसिड सेल को जब आवेशित किया जाता है तो धनात्मक प्लेट पर क्या देखने को मिलता है? तो धनात्मक प्लेट पर हमेशा PbO2 जमा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेड पराक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? तो वेंट क्लैप को इसलिए खोल के रखते हैं ताकि गैस जो है स्वतंत्र रूप से बाहर निकल सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? कम धारा देकर लंबे समय तक अगर आप आवेशित करके रखना चाहते हैं बैटरी को, तो उस समय हम लोग ट्रिकल मेथड चार्ज का प्रयोग करते हैं, ट्रिकल मेथड द्वारा। ठीक है, चार्ज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? तो इस दोष को जानने के लिए हम बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके हम इस दोष को जान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? तो वह पदार्थ है जस्ता। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 देख लेते हैं। चांदी का विद्युतीय रासायनिक तुलनांक है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुलनांक होता है 1.1182 mg। ठीक है, ये चांदी का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 को देख लेते हैं। सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? मतलब जब हम लेड एसिड सेल को जब हम लोग डिस्चार्ज करते हैं तो उस समय जब डिस्चार्ज होता है तो उस समय जो ऋणात्मक प्लेट होता है उस पर जो है कि लेड सल्फेट जमा हो जाता है, जिसे PbSO4 के रूप में प्रदर्शित करते हैं लेड सल्फेट को, तब ऋणात्मक हो जाता है, PbSO4 जमा हो जाता है ऋणात्मक प्लेट पे। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 था। विद्युतीय अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करता है या धनात्मक व ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना, या धनात्मक या ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना? तो इसका मेन काम यही होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य शॉर्ट सर्किट को रोकता है सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक जो लगाते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो घनत्व मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा था इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? तो
इन्वर्टर परिपथ एस सी आर यूज इन इन्वर्टर, जब एस सी आर जो प्रयोग किया जाता है इन्वर्टर में, इन्वर्टर परिपथ इसी को कहते हैं एस सी आर उपयोगी इन्वर्टर विद इन्वर्टर। अब देखिए एस सी आर के अगर फुल फॉर्म करें तो एस सी आर का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या होता है फुल फॉर्म पुल देता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इसका फुल फॉर्म होता है। और यह एक क्या है, यह एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, यह एक ट्रांजिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं, सीसा अम्ल बैटरी में बल्किंग दोष को क्या प्रभाव पड़ता है। इसको बता चुके हैं कि क्या होता है, सिर्फ जब बल्किंग उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड मुड़ जाते हैं बल्किंग के दौरान, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है इसको भी बताया था, जब ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्ज जब होता है तब ऐसा कंडीशन आता है, ठीक है, ओवर लोड पर जब चार्ज करते हैं या जब डिस्चार्ज करते हैं तब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 में ये पूछा है परिपथ में कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा, तो सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 4.5 वोल्ट निर्गत वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज होगा, ठीक है। अब 31 के 32 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा था शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो शुष्क सेल में जब कहेगा तो धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग, कार्बन का प्रयोग करते हैं। और शुष्क सेल की बात करें तो शुष्क सेल का प्रयोग टार्च, दीवार, घड़ी और विद्युत घंटी वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देख लेते हैं, कहता है भार बढ़ने पर, मतलब भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, जब लोड बढ़ता है तो सेल के सिरों का जो वोल्टेज होता है वो घटने लगता है, ठीक है। 35 वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है, तो वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को रोकने के लिए हम लोग जस्ता प्लेट का अमलगम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जस्ता प्लेट्स का अमलगम, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में एम इक्वल टू जेड बट आई टी में जेड अक्षर किसको इंगित करता है, तो जेड अक्षर विद्युत अपघट ई सी को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की ओर चलते हैं। तांबे के विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तो तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.329 होता है, ठीक, 0.329, ठीक। जबकि चांदी का कितना होता है, 1.1182, चांदी का, ये तांबे का, ये दोनों याद कर लीजिए, दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। सीसा एसिड बैटरी में बल्किंग दोष का कारण कौन सा है, बल्किंग दोष हमने बताया था कि जब क्या होता है आप ओवर चार्जिंग करेंगे या ओवर डिस्चार्ज होता है तो उस समय क्या होता है, बल्किंग दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग के दौरान। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो चार्जिंग स्तर को जांच करने के, वोल्टेज की चार्जिंग मतलब सॉरी बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग उच्च दर निवेशन का प्रयोग करते हैं, हाई रेटेड डिस्चार्ज टेस्टेड। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, विच पार्ट इज लॉसिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस,
एनोड। ठीक, एनोड पे क्या होता है, हम आपको चित्र बना के दिखाते हैं, एक सेकंड। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस आवेशित हो जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है, जबकि जबकि कैथोड पे क्या होता है, यह कैथोड पर माइनस चार्ज आवेशित आ जाता है। ये तो कैथोड पे माइनस होता है और एनोड पे प्लस होता है, चार्ज आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रोलोसिस के दौरान जब इलेक्ट्रोलोसिस प्रक्रिया होता है तो उस दौरान क्या होता है, एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खोकर प्लस आवेश चार्ज अपने ऊपर इकट्ठा कर लेता है। इस प्रकार हमने कम से कम 40 क्वेश्चन आपका बैटरी और सेल से कंप्लीट करवा दिया। इससे ज़्यादा बैटरी सेल से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, आप इतना ही आप अच्छे से रिवीजन एक दो बार देख लेंगे तो आपका बैटरी और सेल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, ये फ्रेंड्स आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।